गाइस आपने देखी थी ये वन हैंड कार्ड व्हील थी, ठीक है। एक बार और देखिए मैंने कैसे की वन हैंड कार्ड व्हील, ये हाथ साइड में, ठीक है। ये थी वन हैंड कार्ड व्हील। अगर आपको ये सीखना है तो मेरी वीडियो पूरी देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आपको वन हैंड कार्ड व्हील आने के लिए सिंपल कार्ड व्हील आना जरूरी है, ठीक है। सिंपल कार्ड व्हील कैसे करते हैं एक बार देखिए। सिंपल कार्ड व्हील में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है सिंपल कार्ड व्हील। देखिए कैसे करते हैं, दोनों हाथ को रख के करते हैं जैसे जैसे, ठीक है। एक बार देखिए, ठीक है। सिंपल कार्ड व्हील बहुत ही आसान है। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप मेरे चैनल में सबसे नीचे आइए, वहाँ पे है वीडियो याली सिंपल कार्ड व्हील की, वहाँ पे मैंने बहुत सरल से स्टेप में सिखाया गया है, वो देखिए वीडियो, ठीक है। वन हैंड कार्ड व्हील सीखने के लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्ट्रेचिंग के अगर आप वन हैंड कार्ड व्हील करोगे तो आपके हाथ में इंजरीज हो सकती है और आपको लग सकती है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से स्टेप्स करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वन हैंड कार्ड व्हील सीखने के लिए आपको जंप होनी चाहिए आपकी। जब तक आपकी जंप नहीं होगी जब तक मज़ा नहीं आएगा, मतलब टक होना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं कैसे टक करता हूँ, टक आप भी देखिए, जंप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए टक होना चाहिए, ठीक है, छाती से टच होना चाहिए आपके घुटने, ठीक है। एक बार देखिए, ठीक है, जैसे मेरा टच हुए आपके भी होना चाहिए। एक बार और देखिए, एक बार और, ठीक है, पूरा टक होना चाहिए जब ये आपकी वन हैंड कार्ड व्हील अच्छे से होगी, ठीक है। और दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल कोशिश करनी है पैर से जंप करने की, ठीक है। जैसे आपका ना मास्टर लेग आपको कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेरा मास्टर लेग है लेफ्ट पैर, ठीक है, तो मैं लेफ्ट से जंप लेता हूँ। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये लेफ्ट पैर से जंप लेना है पीछे की तरफ, ठीक है। देखिए कैसे लेते हैं, जब हम दोनों हाथ नीचे रख देंगे तो लेफ्ट पैर से जंप लेंगे, ठीक है। देखिए ये रहा, लेफ्ट पैर से जंप लेना है, देखिए धीरे धीरे लेइए, क्योंकि आपको इतनी हैबिट नहीं रहती है जंप लेने की, ठीक है। आप ऐसे गिरेंगे तो नहीं, इसमें कोई गिरने का चांस नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से करिए। एक बार देखिए, ठीक है, ठीक है। जब आप जंप लेना सीख जाएंगे तो आपको है ना हाथ मजबूत करना पड़ेंगे। तो हाथ मजबूत किससे होंगे, पुशअप से होंगे। तो आपको कम से कम पुशअप्स एंड पुलअप्स दोनों अच्छे से करनी है, कम से कम सुबह 5 से 10 तो करना ही है, ठीक है। जब तक आप पुलअप्स नहीं करोगे तो आपके आप हाथ मजबूत नहीं होंगे बोले। तो गाइज आपको पुलअप्स एंड पुशअप्स दोनों करना है, ठीक है। और तीसरी स्टेप में क्या करना है आपको, तीसरी स्टेप में सिंपल जब हम दोनों हाथ फेंकते ना तो क्या करना है, ये हाथ जल्दी से हटाना है, ठीक है, जल्दी से हटाना है, ठीक है। देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, ये रहे, जल्दी से हटाना है, मतलब कोशिश करना है ये हाथ जल्दी से हटा जाए, क्योंकि जब हमारे हाथ दोनों हाथ में पावर रहती है ना तो हम सिंपल कार्ड व्हील जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब हाथ हटाने पे आती ना तो कई बार हम गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से करना है आपको। एक बार देखिए, देखो प्रैक्टिस से सब होता है, बिना प्रैक्टिस से कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा कि जल्दी से हाथ हटाना है, क्योंकि गिरते बहुत है इसमें और लगती बहुत है, ठीक है। थोड़ा बहुत लगती है, जैसे उंगली में लग जाएगी पैर की, हाथ की उंगली में लग जाएगी, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस आपको ध्यान से करना है, ठीक है। एक बार देखिए कैसे करना है, जब हम सिंपल कार्ड व्हील करेंगे तो हाथ को पीछे हटा लेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल कार्ड व्हील नॉर्मल करी, कोशिश करना है हाथ हटाने, कोशिश करना है हाथ हटाने की, ठीक है। कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपको हाथ हटाने की कोशिश करना है। ध्यान से देखिए, जितनी जल्दी हाथ हटाओगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्ट आएगी, ठीक है, वन हैंड कार्ड व्हील। इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। देखिए मैं लगातार बोलता हूँ कि आप सुनिए, आप मेरी बात मानिए, क्योंकि अगर देखो आप मेरी वीडियो लगातार देखोगे ना तो आपकी बिल्कुल सब मैं सिखा दूँगा, वन हैंड कार्ड व्हील, किकअप कार्ड व्हील, और हैंड स्टैंड, पुलअप्स, पुशअप आपको, और बैक हैंड स्प्रिंग, फ्रंट हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप सब सिखा दूंगा। लेकिन आपको मेरी वीडियो लगातार देखना पड़ेगी, क्योंकि मैं ना लेवल बाई लेवल काम करता हूँ। जैसे पहले मैंने हाथ मजबूत करे, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो सबसे पहली वीडियो है पुशअप्स की,
क्योंकि मैं ना हाथ मजबूत करने पे ज़्यादा फोकस करा था पहली वीडियो पे, ठीक है। फिर हाई किक अप, फिर फ्रॉग स्टैंड, ऐसे मैं लेवल बाई लेवल करता हूँ, ठीक है। तो आपको और कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर में है तो मैंने उसकी भी वीडियो अलग से बनाई रखी है, ठीक है। तो आप उसको देखिए और सीखिए मेरी वीडियो से, ठीक है। तो हम वापस कार्डियो के टॉपिक पे आते हैं और आप करिए फिर से, ठीक है। कोशिश करिए, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, दो दिन नहीं होगी, लेकिन एक दिन ज़रूर होगी, ठीक है। तो आप और कोशिश करिए, जितनी जल्दी आप हाथ उठाओगे उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी। तो लगातार कोशिश करना है, ठीक है। एक बार देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, कोशिश करो जल्दी हाथ उठाने की, जितनी जल्दी कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ठीक है, कोशिश करो जितनी जल्दी आपका हाथ जमीन से हटेगा उतना जल्दी आप गार्डविल सीखेंगे, ठीक है। इसलिए आपको जल्दी सीखना है, मतलब जल्दी नहीं सीखना है, लेकिन नॉर्मली आप सीख सकते हो, दो दिन में आदमी सीख जाएगा, कोई भी बंदा सीख जाएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे मेरी वीडियो और बिना स्किप करे देखोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको वन एंड कार्डविल करके बताता हूँ शुरू में आपकी कैसी होगी, ठीक है। ठीक है, वन एंड कार्डविल आपको करके बताता हूँ कि शुरू में आपकी कैसी होगी। आप कोशिश करेंगे करने की तो आपकी ऐसी होगी, ठीक है, ऐसा होगा। फिर थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे या आप हाथ नहीं रख सकते, ठीक है। ध्यान से देखिए, हाथ नहीं रखा है ना, नीचे नीचे से करिए, पहले नीचे से करिए, ठीक है। जितना नीचे से करोगे लगे के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, नीचे से करिए, देखिए सिंपल स्लो धीरे करो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखो आपको किसी को दिखाना नहीं है, जब आप पूरी तरह सीख जाओगे जब आप किसी को दिखाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर थोड़ा ऊपर ले आइए, ऐसा ऊपर धीरे धीरे ले जाते हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे ऊपर ले आना, ये ऐसे का है, धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। ये जाओगे आप पीछे, ये डायरेक्ट पंप, ये बहुत ही ज़्यादा औसम लगती है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो कार्डविल बहुत सिंपल है, मैं आपको क्यों कार्डविल बताई है और ये वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाया, तो ये परेशानी हो गई थी मेरे साथ, इसलिए ये वीडियो बहुत टूट गई। तो गाइस आप लगातार कोशिश करिए, ठीक है, बिना कोशिश के सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए आपको लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपके मेरे ये सीखने के बाद आपकी वन एंड कार्डविल कुछ इस प्रकार दिखेगी। ध्यान से देखिए, ठीक है। इतनी औसम लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मैं बस करके बता सकता हूँ। आप जब सीख जाएंगे ना ये कार्डविल तो बहुत ही अच्छी लगेगी, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कैसी लगती है, ठीक है। ठीक है, तो वन एंड कार्डविल कुछ इस प्रकार दिखती है। तो गाइस अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छा सा लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।